चलो शुक्र है दो आंखें तो काबू आई मलका दादी की। ओ पर पुत्र मेरा राज तो मलका दादी के पास चला गया ना। बिल्लिया पुलिसा आ गईया छापे पै गए। वो क्या सोचती होगी मेरे मुतलक मैडम प्लेयर कि ये किस तरह का लड़का है। ओहो दादा जान इस उम्र में इतनी ऊंचाई से साफ आवाजें सुनाई नहीं देती और वो आपसे पूछे तो मुकर जाइएगा कह दीजिएगा हैं ये क्या कह रही हैं आप। अब कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी। और ये बता तू परी को लेके क्यों गया था। दादा जान परी से पूछने के लिए गया था कि अपनी दादी के कहने पे बिल्लू चौधरी के साथ बदोबदी शादी तो नहीं कर रही है। फिर वैसे ये दुनिया की पहली शादी होगी जो दूल्हा अपने दादे की मर्जी से और दुल्हन अपनी दादी की मर्जी से कर रही है। नहीं ब्रो हमारा अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओ ब्रो वो ये जो अरेंज मैरिज होती है ना इसका भी एक अपना ही मजा है। पता ही नहीं होता डब्बे में से अल्लाह ने क्या तोहफा निकाल देना है। वैसे तारीख गवाह है दादा जान इस डब्बे में से ना लोगों के बड़े बड़े जुलूस भी निकले। अब भाई आपको पता चला है? नाई मान गया डाई लगाने के लिए। अब मेरा मतलब है कोई ड्राइवर ने गड्डी ठोक दी या फिर आप खुद तो ड्राइवरों को कहते हैं सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190। चुप कर रहे और दादाजी का बॉडी गार्ड समझाए नहीं मेरा निकाह होने वाला बड़ा हो गया मैं अब घर वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो बीवी खाक करेगी। एब्सोल्युटली राइट माशाल्लाह। मोहतरम जनाब बिलाल शाकर चौहान साहब अगर आपकी तबीयत नाजुक पे गरा ना गुजरे तो मैं आपकी समातों पर चंद समातें लंगर अंदाज फरमाऊं। वाह वाह इस वक्त तो रईस लखनवी लगा है। वैसे बड़ी कोई टेक्निकल सी इंसल्ट किया आपने मेरी लेकिन चलो ठीक है अब्बा जी आप इतना मेरा मतलब इसरार कर रहे हैं तो जाएं फिर इजाजत है। ओए हुआ क्या है क्यों ये डीजल की कुपी जैसी शक्ल की हुई है। अब ये नई बात ले आप अब्बा जी रमजान चाचा जी ने मंगनी तोड़ दी है पारो की। सच ओए ये तेरे मुंह पे पड़ा हुआ नील क्यों खुशी से लालो लालो रहे है। अब नहीं नहीं बहन मैं परेशानी से पूछ रहा हूँ वो मेरे एक्सप्रेशन समझने में गलती हुई है आपको। आनी एक्सप्रेशन समझता है खुद भी डायरेक्टर है ना। हाँ जी सारे रॉन्ग नंबर इसी घर में पैदा हो गए खैर से। ओए वाह क्या है क्यों तोड़ दिया है मंगनी उसे। अब्बा जी बड़े लालची किस्म के लोग थे वो कह रहे थे कि शादी से पहले घर जो है ना जी वो पारो के नाम लगाओ। हेलो बह जाओ खजूर दी छां थल्ले तो किधर है वो जाना। मजदूरों का हिसाब किताब कर रहे हैं। इतना मजदूरा नहीं इसके आले दुआले इटे लगा देनी है। हो भी लिया जा पुत बुला जरा जाने को लेके आ इसको। मैं बुला के आता हूँ मैं बुला के आता हूँ। इसकी एनर्जी एकदम क्यों इंक्रीज कर गई है जी। आपको क्यों डिक्रीज करना है जी। बेटा तू निकल जरा अब्बा जी के हुजरे कदीम से मैं बताता हूँ आपको डिक्रीज क्या होता है। ओए मेरे बिल्ले को कुछ ना कहा करो इसकी वजह से ही तो सांसें चलती हैं मेरी मेरे दिल को हाथ पड़ता है। बड़ा ऑक्सीजन दा सिलेंडर नंबर वेंटिलेटर। दादा जान मेरा ख्याल है कोई एक ड्राम लेके ना पेट्रोल का किसी दूर पिंड में रखा के तेरे अब्बे को कोई छोटी सी पेट्रोल पंप ही खोल देती है। हाँ ओथे ही रवे करे हफ्ते बाद आवे।